पवनदीप अनंता के पास एक के बाद एक कई काम आते जाने और फिर से पवन अरू का एक लाइव कॉन्सर्ट डिसाइड कर लिया गया है। लाइव कॉन्सर्ट की डेट भी आ गई है, जिसकी खबर सुनते ही फैंस खुशी से झूम उठे हैं। मतलब एक साथ इनके पास कई सारे काम हैं जिन्हें ये कर रहे हैं। दरअसल पवन अरू ने एक वीडियो शेयर की है। वीडियो में पवन अरू लाइव आकर अपने नए कंसर्ट को लेकर जानकारी देते हैं। पवन अरू ने लाइव आकर बताया कि वो 22 फरवरी को सिंगिंग कॉन्सर्ट करने जा रहे हैं और इसी कॉन्सर्ट के लिए पवन अरू ने अपने फैंस से गुजारिश की है। पवन अरू का अगला कॉन्सर्ट वाकई बहुत धमाकेदार होने वाला है। पवन अरू पहले तो कबीरा गाना गाते हैं और फिर कहते हैं कि फैंस तैयार हो जाए एक बार फिर पवन अरू की हिम्मत बढ़ाने के लिए। वैसे तो इनका जोश और जज्बा कभी फीका नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि इनके साथ हजारों लाखों फैंस का साथ है। तो पवन अरू के फैंस तैयार हो जाएं। मैं पवन अरू सुपरस्टार सिंगर 2 को लेकर भी लगातार जानकारी दे रहे हैं। पवन अरू अपनी अपनी टीम के साथ फोटो शेयर कर रहे हैं। काफी क्रेज देखा जा रहा है सुपरस्टार सिंगर 2 को लेकर। यकीन है कि इनका ये शो हिट जाने वाला है, क्योंकि पवन अरू खूब मेहनत कर रहे हैं। फैंस को इनकी मेहनत पर पूरा यकीन है। तो आप भी पवन अरू का ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें और उनके गाने आपको कैसे लगते हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। एक दूसरे से बेइंतहा प्यार करने वाले कपल्स में से एक पवन अरू का नाम भी शामिल हो गया है। ये ऐसा कपल है जो अभी तक अपने प्यार का इजहार नहीं कर पाया, लेकिन इनका परिवार इनके अफेयर के बारे में सब कुछ जानता है। अब भले ही पवन के परिवार वालों ने पवन के प्यार को हरी झंडी दिखा दी हो, लेकिन अरुणिता के परिवार वाले इनके लिंकअप की खबरों से ही बहुत नाराज हैं और साफ इनकार कर चुके हैं इन्हें एक्टिंग करने से। ना जाने कब ये दोनों दुनिया के सामने अपने रिश्ते को कबूलेंगे। लेकिन उससे पहले फैंस के बीच इनके अफेयर को लेकर खलबली मच गई है। जी हाँ, फैंस जानना चाह रहे हैं कि जब ये कपल है तो ये वैलेंटाइंस डे तो जरूर सेलिब्रेट करेंगे, और फिर इस बार ये कपल एक साथ एक ही छत के नीचे 14 फरवरी को होगा। जी हाँ, 13 और 14 को पवन अरू सुपरस्टार सिंगर 2 की शूटिंग की वजह से मुंबई में एक साथ एक सेट पर होंगे। ऐसे में ये दिन दो प्यार करने वालों के लिए वाकई बहुत खास है। दो प्यार करने वाले यानी पवन और अरू एक साथ है तो बहुत कुछ प्लानिंग भी हुई होंगी। जी हाँ, पवन के परिवार वालों को पता चल चुका है कि पवन अरू इस बार वैलेंटाइंस डे पर एक ही घर में होंगे। पवन की माँ थोड़ा हैरान तो हुई, लेकिन वो कह चुकी है कि पवन उनका बहुत समझदार है और कोई भी कदम उठाने से पहले वो अपने परिवार के बारे में सबसे पहले सोचता है। मुझे यकीन है कि पवन जो भी करेगा ठीक और अच्छा ही करेगा। पवन की माँ शादी को लेकर भी बड़ा खुलासा कर चुकी हैं। दरअसल चांदनी की शादी में पवन अरू को एक साथ सारी रस्में करते देखा गया। लोगों ने पवन अरू को चांदनी के भाई भाभी भी बता दिया। पवन के घर वाले भी पवन अरू को एक साथ सारी रस्में करते देख बहुत खुश हुए। मतलब साफ है कि पवन के घर वाले अरुणिता को अपने घर की बहू बनाने में कोई एतराज नहीं करेंगे, लेकिन अरुणिता के घर वाले क्या चाहते हैं वो भी जानना बहुत जरूरी है। वेल, आप पवन अरू के वैलेंटाइंस डे को लेकर क्या कहना चाहेंगे? 14 फरवरी यानी वैलेंटाइंस डे के लिए कपल्स का प्यार खूब उमड़ रहा है। नई जनरेशन के लोग वैलेंटाइंस को अपने अपने खास अंदाज में मनाते हैं, एक तरह से फेस्टिवल की तरह सेलिब्रेट करते हैं। पवन अरू को भी आप कुछ इसी अंदाज में देखने वाले हैं। जी हाँ, इस बार पवन अरू का भी वैलेंटाइंस कुछ नए अंदाज में देखने को मिलेगा। बेशक अभी पवन अरू अपने प्यार को कबूल नहीं कर पा रहे हैं, प्यार का इजहार भी नहीं किया है दोनों ने, लेकिन फैंस को इस दिन का बेसब्री से इंतजार है। जी हाँ, फैंस को उम्मीद है कि एक ना एक दिन पवन अरू एक दूसरे के होकर रहेंगे और खुलेआम प्यार का इजहार करेंगे। शायद वो दिन अब बहुत करीब आ गया है। जी हाँ, वैलेंटाइंस डे पर पवन अरू एक दूसरे के बहुत करीब होंगे तो प्यार का इजहार भी कर सकते हैं। दरअसल पवन अरू वैलेंटाइंस डे पर मुंबई में सुपरस्टार सिंगर 2 के सेट पर होंगे, तो यकीनन ये भी इस स्पेशल डे को सेलिब्रेट करेंगे। और फिर ये डे तो कपल्स के लिए ही बहुत खास दिन होता है, तो कुछ तो नया होने वाला है। शायद इसलिए ये दोनों इस दिन एक साथ होंगे। और फिर जिस तरह से पवन के घर से अरुणिता को स्पेशल गेस्ट की तरह बुलाया गया, उससे तो अंदाजा लग गया था कि अरुणिता पवन के लिए क्या है, क्या उनकी जिंदगी में मायने रखती हैं। तो कुछ तो प्लानिंग हो रही है इन दोनों के बीच, कुछ तो वैलेंटाइन डे पर ये दोनों सरप्राइज देने वाले हैं, जिसके बारे में शायद अभी तक किसी को पता नहीं है। लेकिन अगर ऐसा कुछ हुआ तो यकीनन फैंस की खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा और सबको झटका लगने वाला है। वेल, आप पवन अरू के बारे में क्या कहना चाहेंगे और
दुनिया के वैलेंटाइंस डे पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। एक बार फिर अरुणिता के आगे पहाड़ बनकर खड़े हो गए पवनदीप राजन। जी हाँ, कोई भी मुसीबत अरुणिता पर आने से पहले पवन से टकराती है और पवन उसका डट कर सामना भी करते हैं। भाई अब ये प्यार नहीं तो क्या है? अगर सब काम छोड़कर आप किसी स्पेशल शख्स पर ध्यान दे रहे हैं तो इसका मतलब साफ है कि वो शख्स आपकी जिंदगी में कितना मायने रखता है, वो शख्स कितना खास है आपके लिए। एक बार फिर पवनदीप अरुणिता को कुछ ऐसे ही क्लोज होते देखा गया कि अब साबित हो गया कि पवन अरु एक दूसरे के लिए ही बने हैं और ये दोनों अब अलग हो ही नहीं सकते क्योंकि इनके फैंस इन्हें अलग होने ही नहीं देंगे। जी हाँ, पवन अरु को एक साथ देखकर इनके फैंस बहुत खुश होते हैं और एक बार फिर एक ऐसी वीडियो सामने आई है जिसमें इन दोनों की नजदीकियों ने फैंस को खुश कर दिया। जी हाँ, पवन अरु की एक वीडियो खूब वायरल हो रही है जो सोशल मीडिया पर धमाल मचा रही है। लोग बार बार इस वीडियो को देख रहे हैं और कमेंट्स की तो बाढ़ आई हुई है। यहाँ सिर्फ और सिर्फ लोग पवन अरु के बारे में बात कर रहे हैं। पवन अरु से कह रहे हैं कि भाई अब तो शादी कर लो, अब तो कबूल कर लो कि तुम एक ही हो। दरअसल जो वीडियो सामने आई है वो चांदनी के संगीत सेरेमनी के वक्त की है। वीडियो में कुछ ऐसा दिखा कि आप सब शॉक रह जाएंगे। जी हाँ, वीडियो में देख सकते हैं कि जैसे ही अरुणिता संगीत सेरेमनी में एंट्री मारती हैं वैसे ही वहाँ मौजूद गेस्ट चांदनी बिटिया को छोड़कर अरुणिता को घेर लेते हैं। अरुणिता की तरह भागे चले आते हैं और उनके साथ सेल्फी लेने में जुट जाते हैं। जी हाँ, काफी सारे लोगों की भीड़ अरुणिता को इस कदर घेर लेती है कि अरुणिता बाहर निकल ही नहीं पाती है। दूर खड़े पवन की नजर जब उन तक जाती है तो वो फौरन सतर्क हो जाते हैं और सब काम छोड़कर अरुणिता की तरफ दौड़कर जाते हैं। सब काम छोड़कर वो अरुणिता का हाथ पकड़कर भीड़ से निकालते हैं और वहाँ लोगों से कहते हैं कि प्लीज अरुणिता, यहाँ आप लोगों की तरह पार्टी एंजॉय करने आई है, उसे एंजॉय करने दीजिए, ऐसा सब मत करिए कि वो एंजॉय ना कर सके। वहाँ वो लोगों से अरुणिता से दूर रहने को बोलते हैं। अरुणिता के कुछ लोगों की डांट भी लगाते हैं जो मना करने के बाद भी दूर नहीं हटते हैं। पवन जब अरुणिता को हाथ देकर भीड़ से निकालते हैं तो अरुणिता के चेहरे के एक्सप्रेशन भी वही देखने लायक होते हैं। चेहरे की स्माइल साफ बता रही है कि ये दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। वहाँ मौजूद लोग भी मुस्कुराने लगते हैं, तालियां बजाने लगते हैं और इनकी जोड़ी की तारीफ करने लगते हैं। तो आपको रुदीप की ये लविंग वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं।